हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्ले क्राफ्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिट्टियों से एक एप्पल बना के दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप मिट्टियों से एक एप्पल बना सकते हो। ओके, तो बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप पूरा पूरी लास्ट तक देखिए। बहुत छोटा वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा पूरी देखेंगे तो एप्पल बनाना आप बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम एक मिट्टियों का थोड़ा सा मिट्टी ले लेते हैं और उसके बाद उस मिट्टियों को अच्छे से, जैसे कि एप्पल होता है, उस एप्पल के जैसा हम मतलब उसका शेप कर लेंगे। एप्पल के जैसा उसका शेप कर लेंगे। उस शेप करने के बाद हम उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपना पिछले सभी एपिसोड में मैंने बताया कि ये जो मिट्टी का वर्क है, यानी कि क्ले वर्क्स, ये दो हिस्सों में मैं करता हूँ। तो पहला हिस्सा है मतलब उसको शेप में आना, यानी कि जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो पहला है आपको उसको मेजरमेंट करना होगा, और दूसरा स्टेप है मेजरमेंट करने के बाद उसको क्लीनिंग करना, मतलब क्लीनिंग और उसको फिनिशिंग देना कि और कौन कौन सा जगह पे क्या क्या होगा, वो देख के आपको अच्छे तरह से फिनिशिंग करना होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट और क्लीनिंग यही दोनों ही पार्ट है, और मैं इस दोनों ही पार्ट में कोई भी क्ले वर्क्स, यानी कि मिट्टी का काम, जैसे कि मिट्टी का मॉडल, मिट्टी का कोई शो पीस, ये सब सिर्फ ये दो ही स्टेप मैं फॉलो करता हूँ और उस फॉलो करके मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने वही स्टेप और वही फॉर्मूला अपनाया है। जैसे कि मैं अपने देखा, पहले मैंने एक एप्पल जैसा ही एक मेजरमेंट कर दिया मिट्टियों से, और उसके बाद मैंने उसको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे उंगलियों से अच्छी से क्लीन कर रहा हूँ ताकि कोई जगह पे भी मतलब ऊंचा नीचा ना रहे, बिल्कुल एकदम मतलब क्लीन और एकदम स्मूथ हो जाए, ऐसा कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा स्टेप है, इसका नाम है क्लीनिंग और फिनिशिंग। तो हमको क्लीन करने के साथ साथ ही फिनिशिंग करना पड़ता है। हम इसको मतलब बहुत सारे लोग इसको थ्री स्टेप में भी बोल सकते हैं कि मेजरमेंट, दूसरा क्लीनिंग और तीसरा फिनिशिंग। तो ऐसा नहीं है, मैं इस दो हिस्से में कर रहा हूँ ताकि मेजरमेंट है एक हिस्सा और क्लीनिंग और फिनिशिंग एक हिस्सा, क्योंकि हमको क्लीन करते करते ही फिनिशिंग करना होगा। आपको कोई भी चीज़ मतलब पहले करने, आपको अगर मैंने मतलब क्लीनिंग और जो फिनिशिंग है, ये दोनों एक साथ ही आपको करना होगा, मतलब अलग अलग से आपको करना ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्लीनिंग और फिनिशिंग ये एक पार्ट है और मेजरमेंट एक पार्ट है। तो ऐसा करके आप कोई भी मतलब मिट्टियों का शोपीस, मॉडल्स, आप कोई भी ऐसे करके बना सकते हो। तो देखिए मेरा जो ये एप्पल है, एप्पल ज़रा सा वो एप्पल जैसा हो गया है। देखिए इसको क्लीनिंग भी हो गया है और फिनिशिंग भी काफ़ी हद तक हो ही गया है। अब इसको क्या करना होगा, अब ये जो यहाँ पर इस एप्पल का जो बोटा है, उस बोटा को मैंने हल्का से लगा दिया है। अब देखिए इस एप्पल पूरी तरह से रेडी हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो एप्पल मैंने बनाया है, ये बहुत ही इजी और सिंपली तरीके से बना है। आपने तो देख ही आपको पता लग गया होगा कि ये एप्पल मैंने कैसे बना लिया। तो अगर आप भी इसी तरह से एप्पल बना चाहते हो कोई स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए या फिर दूसरा कोई घर सजाने के लिए, तो मुझे मेरा ये जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया, इस पूरी फॉर्मूला को अपना के ये बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।